Good morning, students. Now, today we will start division by large numbers. Okay? Already division, आप third class से revise कर रहे हो. Third, fourth, 2 years you are doing the revision of two years you are doing the division of small numbers. Now in class fifth we are dividing the large numbers. अब divide के लिए few important points you have to be notice that. कि जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवीजन के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर. द आंसर इज कॉल्ड क्वेशेंट और जो सब्ट्रैक्ट करके नीचे रिमेनिंग बच जाता है दैट इज कॉल्ड द रिमेंडर यानी बचा. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हमेशा याद रखना. रिमेंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर. अगर आपका रिमाइंडर डिविजर से ग्रेटर आ रहा है इट मीन्स आपने डिवाइड कहीं गलत किया है. तो ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर. सेकेंड पॉइंट, रिमाइंडर कैन बी जीरो. जीरो हो सकता है. इफ द नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड देन द रिमाइंडर इज जीरो. एंड थर्ड, चेक द आंसर कि अगर आपने डिवाइड कर दिया है यू वॉन्ट टू बी चेक और यू चेक कैसे हमारा इट इज करेक्ट और नॉट. तो ये आपका फॉर्मूला है डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. इस फॉर्मूले का यूज करके आप डिवाइड को चेक कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स चेक अ स्मॉल एग्जांपल. मेरे पास क्वेश्चन है 12,686 डिवाइडेड बाय 9. अब यहाँ पर मैंने अगर मैं ऊपर इस एग्जाम्पल से कंपेयर करूं तो मेरा डिविडेंड क्या होगा. डिविडेंड इज 12,686. डिविजर क्या होगा, डिविजर इज 9. ओके, डिविडेंड एंड डिविजर. अब हम पहले इसको डिवाइड करेंगे. नाइन से, टेबल ऑफ 9. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टूड. टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है, 9 1 9 9 2 18 18 इज ग्रेटर देन 12, सो 9 1 9 देन सबट्रैक्ट. ये सब आता है आपको, आपको रिवाइज करना है अच्छे से. 6 36, 9 4 36 अगेन सबट्रैक्ट 0. नेक्स्ट नंबर इज 8. 9 1 9 is greater than 9. It means 8 is not divisible by 9. So you have to put a 0 over here. Okay? Next number 6. 86. 9 9's are 81. Okay? Subtract 5. So our division is completed. Now we check the answer. चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप जो मैंने फॉर्मूला लिखा है हर बार लिखेंगे बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. आप इससे इसको लर्न कर लेंगे. अब देखो मैंने यहाँ पर डिविडेंट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था. डिविजर इज 9 ऑलरेडी गिवन है. क्वेश्चेंट, अब क्वेश्चेंट देखो द अपर मोस्ट पार्ट इज अ क्वेश्चन. ओके, द बेसिक आंसर जो हमारा डिवाइड करके आंसर आया है दैट इज योर क्वेश्चन. कितना आया है क्वेश्चन, 1409. और जो नीचे अनडिवाइडेड पार्ट है, अनडिवाइडेड नंबर है जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. ओके, तो ये 4 1 2 3 4 4 जो हमारे पास वैल्यूज है वो ऑलरेडी गिवन है. नाउ चेक द आंसर. डिवीजर कितना है, 9 इनटू क्वेश्चन कितना है 1409 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 5. इसको सॉल्व करेंगे. 9 9's are 81, 9 4's are 36 9 1's are 9 प्लस 3 12 प्लस 5. पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे,
आपको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला है ये, उसके बाद आपने 5 को ऐड किया। ओके, अब ऐड करके आप आंसर निकालेंगे, 5 प्लस 1 6, 8, 6, 2, 1, चेक द डिविडेंड इज 12,686, 12,686, इट मींस योर डिवीजन इज करेक्ट। ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व एंड डिवाइड। वन मोर क्वेश्चन आई वुड वांट टू डिस्कस विद यू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक इट इज नॉट सफिशिएंट, इज यू हैव पिक ले लो, पिक नहीं ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, 20,045 डिवाइडेड बाय 22। अभी तक हमने सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो आपको 9 का टेबल आता था, अब यहाँ हमें टेबल किसका यूज करना है, 22। बहुत से बच्चों को टेंशन हो रही होगी 22 का टेबल तो आता ही नहीं है, वैसे तो 25 तक टेबल आपको लर्न करना है। इस लॉकडाउन में बार बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ और ये आपका हॉलीडे होमवर्क भी होगा जो मैं रिटर्न दूंगी कि आपको 25 तक टेबल लर्न करना है। ओके, 20 अभी कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो ये देखो, एक टेबल का एक पार्ट आपको जरूर आता है, दैट इज 22 वन ज़ा 20, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, 22 वन ज़ा 22, क्या ये 20 डिवाइड होगा, नो, क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो यू हैव टू पुट अ 0, ओके, तो 20 एज इट इज। नेक्स्ट नंबर इज, अब क्योंकि हम 2 नंबर्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हम पहले ही 2 नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इफ यू आर डिवाइडेड विद 2 डिजिट नंबर, यू ऑलरेडी सेलेक्टेड द 2 डिजिट नंबर इन डिविडेंड आल्सो, ठीक। उसके बाद ये तो डिविजिबल नहीं हुआ, हमने 0 से कर दिया। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 200, अब 22 के टेबल में 200 आता है नहीं आता है, इट इज तो आपको 22 का नहीं तो 2 का टेबल तो आता ही होगा, 2 1 2 4 6 8, एंड यू हैव टू पुट अ 0, तो ये बन गया आपका 20 का टेबल। अब देखो 20 का टेबल जब हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने 21 22 वन ज़ा 22,
बताएंगे कि क्या क्या डिविडेंड पार्ट क्या होगा. व्हाट इज द डिविडेंड पार्ट? डिविडेंड पार्ट इज 20,045. डिविजर इज 22. क्वेश्चन इज 911 एंड रिमाइंडर. Remainder is 3. Okay, now check the answer. Check same formula. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, now division kitna hai apna 22. Quotient is 911 plus remainder is. आप मल्टीप्लाई करो, वेट का टेबल आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आपको पहले भी मैंने मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है, कॉलम मेथड उसका यूज करो. ओके, द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 20,042 प्लस answer is 20,045. See the dividend and this one is same. It means your division is correct. I hope you all are understood these two questions. Understood? One more question you have to solve. Divide and check. Divide और मल्टीप्लीकेशन, ये दो पार्ट मैथमेटिक्स के ऐसे हैं कि इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतने ही ज्यादा आप मैथ्स में अच्छे होंगे. ठीक है, इससे भागना नहीं है, डरना नहीं है. एवरी डे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके न्यू न्यू क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, मुझे पता है बुक नहीं है लेकिन मन से क्वेश्चंस निकाल के आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 3005 डिवाइडेड बाय 18. ओके, अब मोस्ट फिर से वही 18 का टेबल कोई आता है नहीं आता. लेट्स चेक 3005 डिवाइडेड बाय 18. अब 18 का तो टेबल नहीं आता है, मुझे पता है. तो क्या करना है हमको? 10 वंस फर्स्ट थिंग टू डिजिट नंबर तो सेलेक्ट टू डिजिट नंबर. ओके, 20, 30, 40 तो रेंज क्या आ गई हमारी. ठीक, तो रफ वर्क में क्या करेंगे हम, 18 3 कितना हो गया, 8 3 24 2 3 1 3 4 5 इट्स अ ग्रेटर नंबर तो हम इससे छोटा ले लेंगे. 18 2 36 ये भी बड़ा है तो नेचुरली आंसर क्या होगा, 18 1 8. देखो ऐसे रफ में आप डिवाइड करो. अंडरस्टूड? और उसके बाद फिर सॉल्व माइनस सबट्रैक्शन का भी ध्यान रखना है. 0 - 8 नहीं लिखना है. 10 - 8 इज 2. 2 - 1 इज 1 - 1 ओके. अब नाउ अगेन रिवाइज द टेबल ऑफ 10 इज 10 4 - 40 10 5 - 50 10 6 - 60 और हमें चाहिए आंसर 120 तो यू हैव टू सेलेक्ट विद 3 - 54 5 चेक कीजिए, 5 8 - 40 5 1 - 4 - 5 - 9 90 देन अगेन यू हैव टू चेक विद 6 48 4 6 8 - 6 10 110 7 यू हैव टू चेक. आपको चेक ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई भी मेथड नहीं है. या तो आप टेबल लर्न करिए या फिर चेक करिए. 7 - 7 7 + 5 12 126 is greater. It means 7 is not allowed for the division. हम किससे divide करेंगे? 6 से. Okay? तो 18 6 = 108. Okay? Subtract करेंगे आप इसको और 1 10 - 8 is 25 18 2
observe 36 is also greater, so 18 ones are 18 minus 15 minus 8 7. Okay, अब again क्या क्या आया है हमारे पास देखिए जरा. Dividend is 3005. Divisor is 18, quotient is 161 and remainder is 7. Okay, check करेंगे हम question को. Then now you have to check the question. ठीक है, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, divisor कितना है हमारा 18, quotient कितना है 161 plus रिमाइंडर इज 7. नाउ अगेन पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद 7 उसमें ऐड करोगे एंड देन यू हैव टू चेक कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. नाउ मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं डिवीजन एंड चेक के एंड यू हैव टू डू द मोर प्रैक्टिस एट योर होम.